Everyone, in this video I am going to discuss about encoder. Encoder is a digital circuit which have n input lines and n output lines, where m is less than and equal to 2 raised to power n. ठीक means कि m जो होगी वो 2 raised to power n से कम भी हो सकती है and equal भी हो सकती है. Where small n क्या होगी? This is output lines, number of output lines. Clear? Now आउट इनकोडर करता क्या है? इनकोडर बेसिकली जनरेट करता है बाइनरी कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट सिग्नल. क्लियर? एनकोडर जनरेट बाइनरी कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट. नाउ एग्जांपल लिया है 4:2 इनकोडर का, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी है? इनपुट लाइंस इज इक्वल टू 2^n इज इक्वल टू 4 है, एंड आउटपुट लाइंस which is equal to n is equal to 2 है. ठीक, अगर हम इस 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द रिलेशन. तो फर्स्ट मैं इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. मीन्स कि इसका सिंबल जब बनेगा तो वो कैसे होगा? यहाँ हम एक रेक्टेंगल बॉक्स 4:2 इनपुट लाइन्स 1, 2, 3, 4, लेट दिस इज डी नॉट, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3. ठीक, ये इनकी आउटपुट्स होंगी. सपोज इसको मैंने ले लिया ओ वाई, लिख लेती हूँ मैं वाई नॉट और Y1. ठीक है, तो दीज आर द आउटपुट्स, 4 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स. नाउ अब हम इसके ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल फॉर 4×2. तो यहाँ पर होंगे हमारे इनपुट्स, इस साइड होंगे हमारे आउटपुट्स. ठीक है, हाउ मेनी इनपुट्स? D0, D1, D2, D3. क्लियर? और यहाँ हमारे आउटपुट्स होंगे Y0, Y1. क्लियर? तो नाउ वन मोर थिंग कि इन केस ऑफ इनकोडर एट अ टाइम एक ही इनपुट हमारा हाई होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलती है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 1, ठीक, इफ दिस इज 1 तो रिमेनिंग ऑल क्या होंगे? 0. ठीक, और ये क्या है? सफिक्स में वैल्यू 0, मीन्स कि यहाँ पर बाइनरी क्या होगा? 0. ठीक, नाउ अब हमारा D1 हाई होगा, रिमेनिंग ऑल क्या होंगे? 0. इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? 1. तो इसको हम बाइनरी में क्या लिखेंगे? 0, 1. नाउ D2 हाई होगा, रिमेनिंग ऑल 0 होंगे, 2 है, मींस बाइनरी में 1, 0. नाउ D3 के लिए क्या होगा? D3 हमारा हाई होगा और रिमेनिंग हमारे ऑल क्या होंगे? 0. तो 3 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे? 1, 1. ठीक, तो ये हमारे आउटपुट्स हो गए. नाउ अब हमें अगर एक्सप्रेशन लिखनी हो आउटपुट्स की, तो फ्रॉम दिस टेबल Y0 इज इक्वल टू हाई. कहाँ पर हाई है? एक इस कॉम्बिनेशन में और एक इस कॉम्बिनेशन पे. इसके करस्पॉन्डिंग हमारी इनपुट्स कौन सी हाई है? D2 हाई है एंड D3 हाई है. तो Y0 इज इक्वल टू D2 + D3. ठीक, नाउ Y1 इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पर हाई है और यहाँ पर. दिस मीन्स की D3. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन Y0 इज इक्वल टू D2 + D3, Y1 इज इक्वल टू D1 + D3. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम, तो वो कैसा होगा? आप यहाँ पर देखो, दोनों इनपुट्स में यहाँ पर और ऑपरेशन हो रहा है. मीन्स कि हमें सबसे पहले तो चाहिए 4 इनपुट्स. मैंने लिए D0, D1, D2, D3. ठीक, आउटपुट्स पर हमें 2 और गेट चाहिए. 1, एक होगा Y0, दूसरा आउटपुट क्या होगा हमारा? Y1. ठीक, ये हमारे हमने और गेट्स लगा दिए. एक आउटपुट हो गया Y0 और एक हमारा हो गया Y1. ठीक, Y0s के इनपुट क्या हैं? D2 एंड D3. मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दूँ सबके करस्पॉन्डिंग, तो हमारा जो Y0 है, Y0 के इनपुट क्या हैं? D2 + D3. मीन्स कि D2 + D3. ठीक, नाउ फॉर Y1 D1 + D3, D1 + D3. ठीक, तो दिस इज लॉजिक डायग्राम. नाउ आई थिंक क्लियर. दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम. दिस इज ब्लॉक डायग्राम फॉर 4:2. ये है ट्रुथ टेबल फॉर 4:2. दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ 4:2 और दिस इज द इक्वेशन फॉर 4:2. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.